मिल रहे हैं प्रेस के साथ, तो ब्रीफ अबाउट सर्टेन अचीवमेंट्स, कुछ इम्पोर्टेंट जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम डिपार्टमेंट्स ने किया है उसको पब्लिक के साथ शेयर करने के लिए, कुछ बातों को बताते हुए हमें खुशी होती है, तो वो हम चाहते हैं कि आवाम के बीच में वो बातें जाएँ और इन्फॉर्मेशन जाए। एक तो अभी सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के अंदर अगर हम देखें तो इस बार विंटर्स में हमने AN-42 सर्विसेज चलाए थे जब से हमारा जोजिला पास बंद हुआ, और करीब करीब 4,500 यात्रियों ने, पैसेंजर्स ने सर्विसेज का फ़ायदा उठाया, जिसके अंदर 2100 के करीबन लोग सिर्फ AN-32 में करगिल से आवाजाही की। करगिल से दो सेक्टर्स में ये हवाई जहाज़ चला, करीबन 90 फ्लाइट्स ऑपरेट की गई AN-32 की, और ये सारी सर्विसेज जो है सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने इस बार, इस साल ऑनलाइन मुहैया की, तो लोगों को बहुत सहूलियत हुई। हमें ग्राउंड रिपोर्ट्स ये आई कि जिसके कारण, जिस काम के लिए लोगों को किसी दफ्तर तक जाना पड़ता था, टिकट्स बुक करनी पड़ती थी, AN-32 की सर्विसेज कभी चलेंगी कभी नहीं चलेंगी, उस कारण से ये इनकन्वीनियंस आता था लोगों को कि उनको एयरपोर्ट में जाके काफ़ी देर वेट करना पड़ता था। बहुत लोग जाते थे, उनमें से कोई 30 या 40 लोगों को ही हवाई जहाज़ में चढ़ाया जाता था। वो सारी परेशानियाँ जो हैं ऑनलाइन सर्विसेज से दूर हो गई, पेमेंट ऑनलाइन हुए, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इसके माध्यम से, और लोगों को कुल मिला के काफ़ी सहूलियत हुई, और हमारा ये जो इनिशिएटिव था वो इस साल बहुत सक्सेसफुल रहा। हम इसको आगे आने वाले सालों में और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर ईयर राउंड एविएशन की बात करें तो हमारे यहाँ जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की दो चॉपर्स चलते हैं पवन हंस के, उसके अंदर भी कोई 2400 यात्रियों ने उसका लाभ उठाया, उसमें सफ़र किया, और जितने भी हमारे यहाँ सेक्टर्स हैं, चाहे पदुम के हो चाहे नुब्रा के हो, लिंकशेड एरिया के हों, जहाँ जहाँ पर भी लोगों का आना जाना पड़ा, कई सॉर्टीज, कई फ्लाइट जो है श्रीनगर भी चली, तो उसमें कोई 2400 लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया। AN-32 की सर्विस की बात अगर करूँ तो उसमें हमें एक इंटरेस्टिंग, अब चूँकि सर्विसेज ऑनलाइन है तो इंटरेस्टिंग आंकड़ा भी सामने आया, करीब 700 औरतों ने इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठाया, और 350 बुज़ुर्गों ने, सीनियर सिटीजन्स ने इसका फ़ायदा उठाया, जो कि अदरवाइज इमोबाइल हो जाते हैं गाड़ियों के ना चलने के कारण। पवन हंस की सर्विसेज के अंदर 53 लोगों ने मेडिकल इवैक्यूएशन का फ़ायदा उठाया, उनमें से कुछ जो इकोनॉमिकली बहुत ही वीक हैं या कोई लेबर का काम करते हैं, उन लोगों को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट भी वो सर्विस मुहैया की। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट में आप लोगों को जान के खुशी होगी कि पहले हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई हैंगर नहीं होता था। हैंगर होता है जो आपके हवाई जहाज़ के पार्किंग करने के लिए जगह, तो उसके कारण से हमारे जो हेलीकॉप्टर्स थे उनको मजबूरन श्रीनगर में या किसी और हवाई अड्डे में पार्किंग करनी पड़ती थी, उसके कारण से हमारे यहाँ पर फ्लाइंग टाइम का लॉस होता था, और जो यहाँ पर जितनी सर्विस एक दिन में मिलनी चाहिए उतनी सर्विस नहीं मिलती थी। हमारे दो हैंगर्स अब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में बन रहे हैं बड़े बड़े, एक करगिल में और एक ले में। ले वाला हैंगर इस साल बन चुका है, और इस साल आपने देखा होगा कि हमारे दोनों हवाई जहाज़ पवन हंस के, वो दोनों इस हैंगर में रहे और उनको श्रीनगर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, दोनों की पार्किंग यहीं रही। इस साल अगले आने वाले 2 या 3 महीने के अंदर अंदर हमें उम्मीद है कि करगिल के अंदर भी जो हैंगर की कंस्ट्रक्शन चल रही है वो पूरी कर ली जाएगी। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन आवाम के फ़ायदे के लिए कोई 42 हेलीपैड्स बना रही है, जो कि लोगों के आवाजाही के लिए फ़ायदा करेगी। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के टाइम पे कोई अगर डिज़ास्टर किसी एरिया में आता है तो वहाँ फ़ायदा करेगी। उन 42 हेलीपैड्स के अंदर हम लोगों ने 12 हेलीपैड्स में काम ख़त्म कर दिया है, उसके अंदर कुछ एडिशनल फैसिलिटीज़, लोगों के बैठने वगैरह की जगह भी बनाई जाएगी, बट अभी लैंडिंग के हिसाब से 12 हेलीपैड्स हमारे MI-17 लेवल की लैंडिंग्स करने के लिए तैयार हैं, और हमें उम्मीद है कि इस साल वर्किंग सीजन के अंदर जितने भी बाकी के हेलीपैड्स हैं वो भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तैयार कर लेगी।
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी हुआ रूरल डेवलपमेंट सेक्टर में, गांव में, पंचायतों में कई इंफ्रास्ट्रक्चर हमने इस बार कंप्लीट किए। कोई 55 रूरल रोड्स हमने कंप्लीट किए पूरे लद्दाख के अंदर। 29 पब्लिक लाइब्रेरीज अलग अलग गांवों में बनाए गए। उन पब्लिक लाइब्रेरीज का सिविल वर्क कंप्लीट हो चुका है, अंदर की फर्निशिंग का काम वगैरह अभी हाल ही में ख़त्म कर दिया जाएगा। और जो गांव देहात में लाइब्रेरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, किताबें पढ़ना चाहते हैं, इवन कंप्यूटर पर काम करना चाहते हैं, वो भी उन लाइब्रेरीज में आके फ़ायदा ले सकते हैं। हमारे जहाँ जहाँ पर BDOs और BDCs के, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन्स और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स के ऑफिसर्स की कमी थी, वो स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज के ज़रिए से बनाए गए। उसके अंदर 15 BDC और BDO ऑफिसर्स में काम कंप्लीट हो चुका है और वो रेडी हो चुके हैं। जहाँ जहाँ पर पंचायत घरों की कमी थी, कोई 27 पंचायत घरों की कमी थी, उन 27 पंचायत घरों में काम चल रहा है। उसके अंदर से 12 पंचायत घर कंप्लीट कर दिए हैं। 12 कम्युनिटी हॉल, जो लोगों के फ़ायदे की चीज़ है, कम्युनिटी के इकट्ठा होने की चीज़ है, सोशल गैदरिंग्स जहाँ होती है गांव देहात में, वहाँ पर कोई 12 कम्युनिटी हॉल्स जो हैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने इस साल कंप्लीट कर दिए हैं। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे हमारा काफ़ी ध्यान है, फोकस है, क्योंकि लद्दाख को हमने क्लीन रखना है। लद्दाख के सिर्फ टूरिस्ट एरियाज़ को ही नहीं, सिर्फ मार्केट्स को ही नहीं, बट गांव देहात को भी क्लीन रखना है। अपने घर के इर्द गिर्द सारी जगहों को क्लियर करना है, लिटरिंग नहीं होने देनी है, प्लास्टिक का फैलाव नहीं होने देना है। तो उसके लिए इस साल हमने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में ये तय किया है कि हर ब्लॉक में एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट शेड जो है बनेगा, जिसके अंदर प्लास्टिक वेस्ट, सॉलिड वेस्ट का सेग्रीगेशन होगा और डिस्पोजल होगा। उस तरह के 10 शेड इस साल कंप्लीट कर दिए गए हैं। तो उसके अंदर कईयों में मशीनरी इक्विपमेंट आ चुकी है, करगिल के जितने भी शेड्स हैं उन सब के लिए मशीनरी इक्विपमेंट भी आ चुकी है, जिसके अंदर प्लास्टिक बेलिंग मशीन होती है, कंप्रेसिंग मशीन होती है, जो गार्बेज कलेक्शन की गाड़ियां हैं, ऐसी गाड़ी 11 गाड़ियां खरीदी गई हैं जिसके अंदर सेग्रीगेटेड वेस्ट डिस्पोजल जो है हाउस टू हाउस, फ्रॉम हाउस टू हाउस कलेक्ट किया जाएगा। उसका एक प्रॉपर मैकेनिज़्म पे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट काम कर रहा है, और हम चाहते हैं कि पब्लिक की सहयोग से, पब्लिक के सहायता से हम हर गांव को सॉलिड वेस्ट से कम्प्लीटली मुक्त कर देंगे इस साल के एंड तक। तो इसके अंदर हमारे जो आवाम है उसको भी डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, और जो भी मोडालिटीज़ डिपार्टमेंट बनाएगा उसके तहत एक कोऑपरेटिव मिशन मोड में हमने अपने लद्दाख को साफ रखने का जो काम है उसको अंजाम देना है। हमने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है उसको किस तरीके से सशक्त किया जाए, एम्पावर किया जाए, उस पर भी काफ़ी काम किया है। बहुत सारी ट्रेनिंग्स कराई गई हैं, BDC चेयरपर्सन्स की ट्रेनिंग्स हुई हैं, एक्सपोजर विजिट्स हुए हैं, सरपंचों की ट्रेनिंग्स हुई हैं। हमारे BDC चेयरपर्सन्स NIRD हैदराबाद जाके ट्रेनिंग करके आए हैं। हमारे जो LHDC के काउंसलर्स हैं वो भी एक्सपोजर विजिट्स और ट्रेनिंग्स पे गए हैं। हमारे सरपंच जो हैं वो NIRD हैदराबाद से भी उन्होंने ट्रेनिंग करी है और देहरादून में भी जाके पिछले साल ट्रेनिंग करी है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखा है। उसके साथ साथ जो ये ट्रेनिंग्स हो रही हैं उसके साथ साथ हमें उनको इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली भी एम्पावर करने की कोशिश की है। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स को पिछले फाइनेंशियल में 1 करोड़ रुपया दिया गया था फॉर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, और हमें बताते हुए खुशी होती है कि 31 करोड़ के अंदर से करीब करीब 20 करोड़ रुपए का सक्सेसफुल एक्सपेंडिचर ब्लॉक्स में हुआ है। और उन्होंने, ब्लॉक्स ने अपने ऑटोनॉमी से, अपने डिसीशन से अपने ब्लॉक्स के अंदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ टेकअप की है। वो उसी तरीके की फंडिंग इस साल फिर से होगी, हर ब्लॉक को 1-1 करोड़ रुपए का मेजर वर्क्स में पैसा दिया जाएगा। उसके अलावा इस साल जो माइनर वर्क्स होते हैं, रिपेयर वर्क्स होते हैं, मेंटेनेंस के वर्क्स होते हैं, उसको करने के लिए भी हर ब्लॉक को 20 लाख रुपए की राशि दी जाएगी।
हमने सोचा पिछले साल के ब्लॉक्स तक तो हम पहुंच गए हैं, मगर ग्राम पंचायत तक सरपंचों को भी हमें फाइनेंशियली एम्पावर करने की ज़रूरत है। तो उसमें इस साल हर ग्राम पंचायत को 3 लाख रुपए की राशि जो है मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क्स में दिया जा रहा है, और जिससे कि हर ग्राम पंचायत जो है अपने वहाँ पर जो एसेट्स वगैरह पुराने बने हुए हैं उनको परफेक्ट शेप में रख पाए। उसी तरीके से हर ग्राम पंचायत को डेवलपमेंटल वर्क्स के लिए 20 लाख रुपए की राशि दी जा रही है, जिसके लिए ग्राम पंचायत्स अपनी मीटिंग्स करेंगे, ग्राम सभा में प्लान्स डिस्कस करेंगे और डिवाइस करके उसके बाद इस खर्चे को करेंगे। उम्मीद की जाती है कि इस तरह के फाइनेंशियल एम्पावरमेंट से हमारे जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है वो अपने डिसीशन से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ या लोकल नीड्स के हिसाब से इंटरवेंशन कर पाएंगे। इंडस्ट्रीज़ की बात अगर हम करें तो आप सब लोगों ने देखा होगा कि इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम बहुत तरह के कैपेसिटी बिल्डिंग की कोशिश करती रही है। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर पे हमारा जोर रहा है। हर साल की तरह इस साल भी हम लोग दिल्ली हाट गए थे और हमारे आर्टिजन्स जो हैं कोई 72, 72 आर्टिजन्स ऑलमोस्ट इक्वल नंबर्स फ्रॉम ले एंड करगिल पार्टिसिपेटेड इन दिल्ली हाट। और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि ये तीसरा पार्टिसिपेशन हमारा रहा था, और हम देखते हैं कि हमारे जो आर्टिजन्स हैं, जो हमारे गांव में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो पश्मीना सेक्टर में हो, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में हो, चाहे वो कॉपर का कुछ बनाते हो या मिट्टी के चीज़ें बनाते हो या वीविंग करते हो या स्पिनिंग करते हो या टेलरिंग करते हो, वो अपने प्रोडक्ट्स को लेके वहाँ पर गए थे। और इस साल हमने देखा इस पार्टिसिपेशन से कि पिछले सालों के मुकाबले कम से कम 4 गुना उन्होंने बिक्री करी, और बहुत एंथुजियास्टिक और बहुत नॉलेजेबल होके लौटे। हम उम्मीद करते हैं इस तरह के जो फेयर्स में पार्टिसिपेशन आगे भी चलता रहेगा। अभी हाल ही में हमने हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के द्वारा जो फेयर किया जा रहा है उसमें अपने 20 पार्टिसिपेंट्स भेजे हैं, 10 ले से और 10 करगिल से, जो लोग वहाँ पर अपने आप को एक्सपोर्ट मार्केट के साथ रूबरू कर रहे हैं। उसी तरीके से हमने लद्दाख में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स और एपिडा के साथ मिलके कोलैबोरेटिव ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करी है हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, वीविंग एंड स्पिनिंग सेक्टर में, जिससे कि हमारे लोग एक्सपोर्ट प्रमोशन की तरफ भी अब आगे बढ़ पाए। हमने इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में स्पेशल सेल बनाए हैं जो कि एंटरप्रेनर्स को एक्सपोर्ट करने के लिए जो भी उनके साथ कागजी कार्रवाई करनी है, जो भी रजिस्ट्रेशंस करने हैं, उसको सिंगल विंडो के तहत एक जगह से कर पाए। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। उसके साथ ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं उसमें हम चाहते हैं कि हमारे जो आर्टिस्ट्स हैं, जो हमारे आर्टिजन्स हैं, वो पूरी तरीके से उसका फ़ायदा उठाएं। वीवर मुद्रा स्कीम है जो वीवर्स के लिए एक स्कीम स्पेशली डिज़ाइन की गई है, उसके अंदर कोई 69 एंटरप्रेनर्स को आइडेंटिफाई किया गया, और आउट ऑफ 69 ये एक पॉजिटिव बात है कि 30 केसेस को सैंक्शन किया गया अंडर द स्कीम। उसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर्स फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में है, और उस स्कीम के तहत एंटरप्रेनर्स डेवलप करने के लिए फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के अंदर खास करके एप्रिकॉट और सीबकथॉर्न, ये दो जो हमारे प्रोडक्ट्स खास हैं लद्दाख के, उन सेक्टर्स में बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम को जोर शोर से इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है। तो इसमें भी हमें बताते हुए खुशी होती है कि जहाँ पहले एकदम पार्टिसिपेशन नहीं होता था, आज करीब करीब 35 एंटरप्रेनर्स ने इंटरेस्ट दिखाया है, जिसके अंदर 29 केसेस डिस्ट्रिक्ट से स्पॉन्सर भी हुए हैं और 7 लोगों को लोन सैंक्शन हो चुके हैं। तो मेरी ये अपील है कि जो जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में काम करना चाहते हैं,
खास करके एप्रिकॉट और सिवक थॉर्न सेक्टर में, वो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से या डीआईसी से अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स के कांटेक्ट करें और अपने डीपीआर बना के अपने आप को स्कीम के तहत लाने की कोशिश करें। एम्प्लॉयमेंट को किस तरह से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन आगे काम करने वाले हैं? देखिए, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की तरफ से अगर हम देखें अनएम्प्लॉयमेंट के इशू को, तो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ये चाहता है कि लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हों। जो गवर्नमेंट जॉब्स की बात है, उसके लिए तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो स्टेप्स ले रही है वो ले ही रही है, बट अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसके अंदर स्किलिंग का काम जो है, स्किल डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है वो अलग से देख रहा है। कुछ स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो है आईटी डिपार्टमेंट भी कर रहा है आईटी सेक्टर के अंदर। उसके अंदर एक ESDM स्कीम है जिसके तहत करीबन 450 यूथ ने यहाँ पर ट्रेनिंग ली है, जो अनएम्प्लॉयड ही नहीं बट किसी न किसी स्टेज पे ड्रॉप आउट्स भी रहे हैं, तो उन्होंने भी ट्रेनिंग्स ली हैं, उनकी सर्टिफिकेशंस भी हुई हैं। तो वो है प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए एक जगह। उसी तरीके से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन बनने के बाद बहुत एरियाज़ में ऐसे स्कोप आए हैं जो यूजुअली गवर्नमेंट स्कोप में नहीं आते हैं। वहाँ पर आउटसोर्सिंग के ज़रिए से करीबन 700 यूथ को नौकरियाँ मिली हैं और वो लोग अपने टैलेंट से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस यूनियन टेरेटरी को डेवलप करने में। उनका भी एक कंट्रीब्यूशन है इन हमारे यहाँ के यूथ का। उसके अलावा जो हम इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से देखें कि हम कैसे इनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ यूथ को लेके जाए, उसके लिए हम एक्सपोर्ट के अंदर कैसे इनको लेके जाए, कैसे और प्रोडक्शन की तरह, जैसे मैंने अभी आपको बताया फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के अंदर यूनियन टेरेटरी ऑफ लद्दाख हैज़ यूनिक प्रोडक्ट सीबक थॉर्न। वी आर प्रोड्यूसिंग 70% ऑफ द कंट्री सीबक थॉर्न। वी आर द इंडियन, इंडिया के अंदर वी आर द ओनली प्रोड्यूसर ऑफ ओरिजिनल पश्मीना, है कि नहीं? सो इसके अंदर वैल्यू एडिशन जो है लद्दाख के यूथ ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए, उसके लिए हम ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। हमारी अभी टाई अप्स जो चल रही हैं वो किसके साथ चल रही है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने आके यहाँ पर ऑलरेडी 2 राउंड्स ट्रेनिंग करी है। हमारे टाई अप्स चल रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के साथ, हमारे टाई अप्स फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में चल रही है निफ्टिम के साथ, जो हिमाचल प्रदेश में IHBT है उसके साथ, जो CSIR के लैब्स हैं। तो ये लोग आ रहे हैं टाइम टू टाइम, जो इंटरेस्टेड यूथ है, जो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बल्कि एम्प्लॉयमेंट लेना नहीं वो, बल्कि एम्प्लॉयमेंट देने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम अपना एक छोटा सा यूनिट सेटअप करेंगे, उसके अंदर 10 लोगों को रखेंगे, 20 लोगों को रखेंगे, वी विल बिकम ऑन्टरप्रेनर्स, बिजनेसमैन। तो कुछ यूथ ने बहुत अच्छा काम किया ऑलरेडी लद्दाख में, करगिल से भी बहुत अच्छा काम किया, कुछ ने लेह से भी बहुत अच्छा काम किया। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट देने के काबिल भी बने, और जितनी भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को लाएँ, चाहे हम यहाँ पर क्या बोलेंगे उसको, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी डेवलप करें, जैसे हॉर्टिकल्चर के अंदर प्लांटेशंस फार्म्स, डेमोन्स्ट्रेशन फार्म्स भी बनाए जा रहे हैं, कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी कुछ कर रहा है, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट PMFME में इंक्यूबेशन सेंटर्स बना रहे हैं। ये इसीलिए बनाए जा रहे हैं कि यूथ जो है आके इनका फ़ायदा उठाए और इसके अंदर अपने एक्सपेरिमेंट्स करें, अपने आइडियाज़ को डेवलप करें और अपने बिजनेसेस को चालू करें। अभी आपने आउटसोर्सिंग की बात की, मैक्सिमम अनएम्प्लॉयड यूथ का एक कंसर्न रहा है कि आउटसोर्सिंग की वजह से परमानेंट जॉब्स पोस्ट नहीं निकल रहे हैं करके आउटसोर्सिंग एक यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एक ऑल्टरनेटिव की तरह देख रहे हैं। आपका क्या कहना है सर इसके ऊपर? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि जॉब्स तो निकले ही हुए हैं, आप लोग तो तैयारी भी कर रहे हैं। अभी तो आज मेरे ख्याल से SSC की तैयारियों के लिए इनाग्रेशन भी हुआ है, कि और यूथ तो यहाँ का दे आर गोइंग फॉर दिस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। SSC को तो पोस्ट आप लोग सब जानते हैं कि रेफर हुए हैं, तो वो तो कोई संदेह वाली बात ही नहीं है। ये दोनों क्योंकि चीज़ें अलग हैं, दोनों चीज़ें यस कम्प्लीटली बट अलग हैं, इनको मिला के देखना गलत है। तो 2 इयर्स, पास्ट 2 इयर्स एक डिले हुआ था रिक्रूटमेंट प्रोसेस निकलना, पोस्ट निकलने पे से सारे चीजें, तो आउटसोर्सिंग की वजह से सब मेजर जितना भी काम पोस्ट थे उसके ऊपर आउटसोर्सिंग को इम्प्लॉय किया गया है, एंड देन दैट्स व्हाई अनएम्प्लॉयड का रेट्स अभी भी बढ़ रहा है। सर पोस्ट तो निकली हुई है बट आउटसोर्सिंग से तो अभी भी आउटसोर्सिंग तो हो रही है किसी डिपार्टमेंट में। सो
आउटसोर्सिंग का मेजर एक क्राइसिस है, व्हाई आउटसोर्सिंग, व्हाई नॉट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हैज जस्ट, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलतफहमी है. आउटसोर्सिंग इज नॉट डन ऑन गवर्नमेंट पोस्ट. आउटसोर्सिंग एक अलग तरीका है काम करने का, और आउटसोर्सिंग के वजह से इतने लोगों को नौकरियां मिली हैं जो यूथ अब तक उनका यूटिलाइजेशन गवर्नमेंट नहीं कर पा रही थी, वो अपना कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे थे. वो लोग टैलेंटेड लोग हैं, बहुत लोग हैं आप लोगों के अंदर से, आप लोगों के रिश्तेदारों में जो लोग नौकरियां कर रहे हैं, है कि नहीं. तो देयर टैलेंट वॉज नॉट बींग यूज. फॉर एग्जाम्पल आईटी सेक्टर के अंदर हमारे कितने आईटी मैनेजर्स हैं, कितने डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं. तो ये लोग अब यहाँ अच्छी नौकरियाँ कर रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज ये यूथ जो है हमारा ड्रेन होता था लद्दाख से, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, और वो दे आर नॉट एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट टू बिल्डिंग ऑफ द यूनियन टेरेटरी, राइट. सो द पोस्ट्स गवर्नमेंट के, दैट इज जीएडी इज लुकिंग आफ्टर दैट, एंड द पोस्ट्स हैव बीन क्रिएटेड, द पोस्ट्स हैव बीन रेफर्ड, वो तो एक अलग प्रोसेस है. दीज टू थिंग्स आर नॉट टू बी कन्फ्यूज विद ईच अदर. And one more question, sir, artisans of Ladakh, आपने mention किया था कि Delhi Heart में हम लेके जा रहे हैं करके, such Delhi Heart जैसा एक artisans के लिए separate market in Ladakh, उसका एक कोई planning है? बिल्कुल planning है. UT Administration Industries and Commerce Department यहाँ एक honorable LG साहब के vision के हिसाब से एक Delhi Heart से भी अच्छा एक Ladakh Heart जैसी चीज़ बनाने की वो कर रही है. काम हम लोगों ने बल्कि CPWD को दे भी दिया है, तो उसकी डिज़ाइनिंग वगैरह हो रही है, और जैसे ही ये एक इंस्टीट्यूशन बन जाएगा तो हमारे जो यहाँ के आर्टिजन्स हैं उनको यहाँ पर ही बैठ के अपने सामान को डिस्प्ले करने का, अपने वर्कशॉप्स में काम करने का, लोगों से इंटरेक्ट करने का, कस्टमर से इंटरेक्ट करने का, और टूरिस्ट जो आते हैं उसको लिवरेज करने का मौका मिलेगा. रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के बारे में कुछ क्वेश्चंस आपसे करना चाहूंगा. जिस तरह से आरडीडी में दो अहम इनिशिएटिव्स इस वक्त देखने को मिल रहा है, खासकर एनआरएलएम की बात करें, एनआरएलएम को ग्राउंड जीरो पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश आरडीडी की तरफ से कैसे किया जा रहा है, क्योंकि एनआरएलएम का नेशनल लेवल पे कुछ ऐसे जगह है जहां पे एनआरएलएम सक्सेस हुआ है और वहां के लोग सेल्फ सफिशिएंट बने हैं, तो लद्दाख में एनआरएलएम को उस लेवल पे पहुंचाने के लिए क्या कर रहे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया आपने सवाल किया. नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, तो इसके तहत आज की डेट में हमारे लद्दाख में पूरे कोई 290 से कुछ ऊपर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जिसमें कोई 3,500 के करीबन लेडीज़ ऑलरेडी काम कर रही हैं. एनआरएलएम एक लेवल पे काम कर रहा था लद्दाख में, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद से उसको दूसरे मयार पे, उसके मयार को बढ़ाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं. और एनआरएलएम के साथ साथ जो दूसरी स्कीम्स हैं, जैसे वनधन विकास केंद्र वाली स्कीम है जिसके अंदर ट्राइफेड मार्केटिंग पार्टनर है, जैसे प्राइम मिनिस्टर्स फॉर्मलाइजेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंटरप्राइजेज वाली स्कीम है, PMFME है, ये दोनों स्कीम भी हम एनआरएलएम के साथ कन्वर्ज कर रहे हैं. अगर आपको पता होगा, इस वक्त जब हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो हमारे कुछ 40 के करीबन महिलाएं जो हैं इस वक्त NIRD हैदराबाद में NRLM की ही ट्रेनिंग कर रही हैं, जो क्लस्टर रिसोर्स पर्सन्स का काम करेंगी यहाँ पर आके वापस. फिर हम NROs के साथ टाई अप कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे नेशनल ट्रेनर्स हैं, वो कोई 100 से 150 लेडीज़ वो यहाँ पर आके करीबन 5-6 महीना हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ टाइम बिताएंगी, और NRLM की स्कीम को किस तरीके से सबसे अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सकता है उसका वो यहाँ पर प्रैक्टिकली उनके साथ बैठ के करेंगे. हम नए नए ब्लॉक्स को भी NRLM के तहत लाने की कोशिश कर रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स को NRLM के तहत लाने की कोशिश कर रहे हैं, और NRLM के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए शॉप सेटअप करना, खास करके टूरिस्ट एरियाज़ में, उसकी भी हमारी दोनों ज़िलों में बातचीत चल रही है, जिससे कि हम उनके प्रोडक्ट्स को बेचने का या उसको एक इंटरफेस देने का, उसको एक आम पब्लिक के साथ उसका एक मार्केटिंग करने का जो मौका मिले वो भी कर रहे हैं. साथ के साथ ब्रांडिंग भी करी जा रही है NRLM प्रोडक्ट्स की. अगर फूड प्रोसेसिंग के अंदर ब्रांडिंग हो जाए, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हो जाए, स्टैंडर्डाइजेशन हो जाए, तो हमारे जो NRLM से लेडीज़ जो बनाती हैं प्रोडक्ट्स वो छोटे लेवल पर ना रह के यूटी के बाहर के मार्केट को भी पकड़ सकती है. तो हमारा फोकस वही है, हमारी कोशिश यही रहेगी.
तो आने वाले साल में हम उम्मीद करते हैं एनआरएलएम लीप्स एंड बाउंड्स में प्रोग्रेस करेगा हमारे यूटी लद्दाख में। सर आरडीडी में जो खासकर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज हैं जिसे शायद डीआरएस कहते हैं, तो उनकी काफी लंबे वक्त से डिमांड है कि उनकी ऑनररम जो है, सैलरी जो है, मिनिमम वेज जो है वो बढ़ा दिया जाए। बिल्कुल, जैसे सर अभी रिसेंटली यूटी लद्दाख ने एक अहम स्टेप लिया है, आंगनबाड़ी वर्कर्स की ऑनररम को बढ़ा दिया गया है, तो उनकी तो आप जानते हैं रूरल डेवलपमेंट में तो हर डिपार्टमेंट की काफी वर्कलोड होते हैं, वर्क प्रेशर होते हैं, तो बढ़ाने की कुछ प्लानिंग है? बिल्कुल प्लानिंग है, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उस पर, गवर्नमेंट उसको कंसिडर कर रही है। तो एनआरएलएम मनरेगा की बात कर रहे हैं आप, मनरेगा के जो जीआरएस और ये स्टाफ है इनकी एक सोर्स है इनकम की, तो उस सोर्स के अंदर हम बढ़ोतरी करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी उसी तरीके से हम सैलरीज को रिवाइज कर पाएंगे। अच्छा, ट्रांसपोर्ट के लेके एक अहम सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लद्दाख के अंदर ट्रांसपोर्ट को लेके अभी जिस तरह से परमिट का एक बहुत बड़ा इश्यू हमें देखने को मिल रहा है, परमिट अभी भी बाइफर्केशन के बाद नया परमिट इशू नहीं किया है, तो लंबे वक्त से एसोसिएशन का डिमांड है कि परमिट इशू किया जाए, तो क्या स्ट्रेटेजी है परमिट इशू करने का और अभी तक सर क्यों नहीं हुआ है? मैं आपके जरिए से ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी गाड़ियों के परमिट्स नहीं है, हमने दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट परमिट्स खोल दिए हैं, डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ को हिदायतें गई हैं कि प्रायोरिटाइज करके, रूट्स डिसाइड करके उनको डिस्ट्रिक्ट परमिट दे दिए जाएं। जितने भी गाड़ी के ओनर्स हैं उनसे मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि अपने जो परमिट लेने के लिए जो भी प्रोसेसेस हैं, चाहे वो फिटनेस कराने वाला प्रोसेस है या कोई फीस जमा करने वाले प्रोसेसेस है, वो करके जल्दी से जल्दी परमिट लेने की काम को करें, अप्लाई करें, और हमारे जो ARTOs हैं दोनों अथॉरिटीज़, इनको हमने हिदायत दी है कि जल्दी से जल्दी ये मैकेनिज्म तैयार करके लोगों को डिस्ट्रिक्ट परमिट्स इशू करें। स्टेट परमिट का क्या स्टेटस है सर? स्टेट परमिट के बारे में हम अभी रूट डिसाइड कर रहे हैं, कंसल्टेशन हमारी दोनों यूनियंस के साथ चल रही है, जब दोनों यूनियंस रूट्स के बारे में कोई फैसला कर लेंगे तो उसके बाद यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख भी उस पर कोई डिसीजन ले पाएगा। ले में पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्ट्रेंथन करने का कोई प्लान यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ये हाइड्रोजन बस का भी एक प्लान रहा था, उसका क्या स्टेटस है सर, और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किस तरह से देख रहे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन? पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हमने एक पेपर हम तैयार कर रहे हैं जहाँ पर जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसमें क्या चैलेंजेस है, क्या हंगरी रूट्स अभी भी कौन कौन से बचते हैं, और उसके अंदर कौन सी गाड़ियों को परमिट देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉब्लम यह आती है कि वायबिलिटी ना होने के कारण, दूर दराज से पैसेंजर्स कम होने के कारण बड़ी बसेस नहीं चलती हैं, तो जिन जगहों पर बड़ी बसेस नहीं चलती है वहाँ पर SRTC की बसेस सर्विस देती हैं, वो भी पीरियडिकली, जैसे हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 3 बार का सर्विस देती है। बट हम ऐसा भी एक सिचुएशन की, हम ऐसे एक सोल्यूशन की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे छोटी गाड़ियां हो, अगर वायबिलिटी छोटी गाड़ियों को लगती है कि कम पैसेंजर के बाद भी हम एक फेरा, दो फेरा किसी एक हफ्ते में कर पाएँ, तो वो हम पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं, और अगर प्राइवेट पार्टिसिपेशन हमें मिलती है ऐसे रूट्स में तो हम वहाँ पर भी उसको इंट्रोड्यूस करेंगे परमिट्स दे के। उसके अलावा आपने बात करी अभी ई व्हीकल्स की, तो ई व्हीकल्स में, ई व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जो इस वक्त थोड़ी महंगी है, थोड़ी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, आम आदमी जो है उसको अभी नहीं खरीद रहा है, तो उसके लिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एक ई व्हीकल पॉलिसी बना रही है, वो ई व्हीकल पॉलिसी हाल ही में आपको, थोड़े ही दिनों में आपको हो सकता है देखने को मिलेगा। उस ई व्हीकल पॉलिसी में इंसेंटिवाइज कैसे किया जा रहा है ई व्हीकल को, वो आप देख पाएंगे, और डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, यूज़ करने के लिए लद्दाख के अंदर टेस्टिंग के पर्पसेस के लिए लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी 10 बसेस जो है ई बसेस खरीदी हैं, उनको हम अभी इस साल टेस्ट पे चलाएंगे 10 के 10 गाड़ियों को। उसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी हम एक प्लान से चल रहे हैं कि गवर्नमेंट को भी आगे आने वाले टाइम में अपनी गाड़ियों को फेज आउट करके ई व्हीकल्स की तरफ बढ़ना है, उसके लिए भी एक पायलट हम लोगों ने इस बार कुछ गाड़ियां ई व्हीकल्स गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस करने का सोचा है, जो गाड़ियां आप देख पाएंगे कुछ दिनों के बाद आएंगी लद्दाख में।